हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो जो वो नीचे बेल आइकन है उसको दबाना भी मत भूलना। सो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक वॉल हैंगिंग जिसकी हेल्प से आप वॉल पे डेकोरेशन कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं ब्लू ड्राइंग शीट, जिसका साइज मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया। तो इसको आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हो उसी तरह से सेम आपको रोल करते जाना है। नहीं स्वीटी, हम पेपर को रोल करने की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम पेपर को राउंड राउंड घुमाने की बात कर रहे हैं। एनीवे, हम अपना क्राफ्ट जल्दी से आगे बढ़ा रहे हैं, वरना आप लोग बोलोगे व्हाट इज दिस। अभी हमें इस रोल को ऊपर की साइड थोड़ा लूज करके नीचे की साइड थोड़ा टाइट करके खींचना है। साथ में हमें रोल को ऑपोजिट साइड में घुमाते जाना है और फिर उसको ऊपर और नीचे की तरफ खींचना है। लो, हो गया रेडी। तो फिर उसके बाद हमें इसको फेविकोल की हेल्प से स्टिक करना है, फिर बाद में उसको प्रेस करके सूखने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे ना मेरा कुछ प्लान है कि मैं कुछ डिफरेंट, कुछ प्यारा, कुछ यूनिक बनाऊँ, क्योंकि मुझे प्यारी चीज़ें बहुत पसंद है। एनीवे गाइस, मैंने अभी सेम प्रोसेस में चार छोटी वाली स्टिक और चार बड़ी वाली स्टिक बना ली है। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैंने येलो शीट लिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम येलो फ्लावर्स बनाएंगे। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम वैसा ही प्रोसेस आपको करना है गाइस, क्योंकि ना इससे ना एक बड़ा सा ऑसम वाला फ्लावर बनने वाला है। स्वीटी, ये मैं येलो फ्लावर बना रही हूँ जिसकी हेल्प से हम फ्लावर वॉल हैंगिंग बना रहे हैं। अभी जो यहाँ पे लास्ट में टुकड़ा बचा हुआ देख रहे हो गाइस, उसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो शीट को बीच में से फोल्ड कर रहे हो उसमें गैप कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना ज़्यादा टुकड़ा बचता है। फिर इस तरह से फोल्ड करके हमें बीच में अच्छी तरह से प्रेस करना है, फिर उसके बाद सीजर की हेल्प से हमें लीफ का शेप देना पड़ेगा और उसको कट आउट करना पड़ेगा। मैं ना बड़ी फालतू की बकवास करती रहती हूँ ना, क्योंकि ना जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में तो बताना ही भूल जाती हूँ और पता नहीं इधर उधर की बातें करने लगती हूँ, जैसे कि अभी कर रही हूँ। अब मैं पहले से कहीं ज़्यादा खुद को आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ एंड मुझे लगता है कि मैं किसी अपनी दोस्त के साथ बात कर रही हूँ। बस मेरा मन करता है कि मैं बोलती ही जाऊँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो आपके साथ शेयर करती जाऊँ। तो इसी के साथ हमने अपना येलो फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। बीच में जहाँ जहाँ पे नीचे की साइड गैप दिख रहा है वहाँ पे आपको फेविकोल की हेल्प से स्टिक करना है। वाओ, इट्स अमेजिंग, कितना प्यारा लग रहा है, देखो तो सही। फिर उसको नीचे की साइड इस तरह से प्रेस करना है और उसको अंगूठे की हेल्प से यहाँ पे जो लीफ का जो शेप रहता है उसको खोल देना है। टाना, फ्लावर रेडी हो गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर्स बना के रखे हुए हैं। फिर बाद में जो हमने ब्लू पेपर स्टिक बनाई हुई थी वो ले लेनी है और बड़ी वाली और छोटी वाली को अलग कर देना है। बड़ी वाली में से दो दो अलग करके उसको फेविकोल की हेल्प से इस तरह से स्टिक करना है। फिर छोटी वाली को भी फेविकोल की हेल्प से दोनों को अलग अलग करके स्टिक करना है सेम प्रोसेस में। तो गाइस, आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा बन रहा है कि जैसे कोई फ्रेम लग रही हो, क्योंकि अभी हम एक फ्लावर वॉल हैंगिंग बना रहे हैं जो बिना फ्रेम के अच्छा ही नहीं लगता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीवे गाइस, अभी ना मेरा हाथ बड़ा ही फटाफट चल रहा है ये वॉल हैंगिंग बनाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर क्राफ्ट है। अभी चारों की चारों पेपर स्ट्रोज को हमें इस तरह से कुछ चिपका देना है फेविकोल की हेल्प से, कि जिससे हमारा फ्रेम रेडी हो जाएगा।
एंड हाँ गाइस, अगर आपके पास कुछ सजेशंस है कि मैं आगे फ्यूचर में कौन से टाइप का वीडियो बनाऊँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उस पर वर्क चालू। पेपर स्ट्रोज को फेविकोल की हेल्प से चिपकाने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। फिर बाद में जो कॉर्नर में टुकड़े बचे हुए उसको कट करके प्रॉपर फ्रेम कटआउट कर लेना है। फ्रेम रेडी होने के बाद गाइस, जो फ्लावर के जो वो बोलते हैं ना ब्रांचेस, जो भी बोलो गाइस मुझे नहीं पता, वो हमें स्ट्रोज की हेल्प से बना लेना है। मैंने यहाँ पे 4-5 एक्स्ट्रा बना ली है। फिर उसके बाद उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। नेक्स्ट गाइस, हमने जो फ्लावर्स बनाए हुए थे येलो कलर के, येलो सीट में से उसको कुछ इस तरह से आपको स्टिक कर देना है फेविकोल की हेल्प से। Looks like so amazing, दीदी। जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरह से आपने अगर किया होगा तो आपका सेम मेरे जैसा ही वॉल हैंगिंग बनेगा, मतलब ऑसम। ना अच्छा गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। ओके यार, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।